सो हाय गाइस, ये रहा मेरा दूसरा ब्लॉग। या मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपडेटेड रहूँ और ब्लॉग्स बनाता रहूँ, लेकिन बीच बीच में थोड़ा आलसी हो जाता हूँ। सो फाइनली आई एम ट्राइंग एंड होपफुली इंशाल्लाह अब से रेगुलरली ब्लॉग में डालता रहूँगा जो भी एक्टिविटी मैं कुछ करूँगा। जैसे कि आज मैं जा रहा हूँ मलाड इन ऑर्बिट मॉल, मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है एक इवेंट के लिए। बहुत सारे लोग जानते हैं कि इस इवेंट के लिए मैं शॉपिंग कर रहा हूँ और बहुत सारे लोग नहीं भी जानते हैं। तो मैं जब उस इवेंट में जाऊंगा तो ऑब्वियसली आई ट्राई टू शूट एक छोटा सा व्लॉग या जितना भी मुझे वहाँ पे कंटेंट मिल सके तो वो मैं अपलोड जरूर करूंगा और आप लोगों के साथ शेयर जरूर करूंगा। तो बस अभी आई एम गोइंग टू ऑर्बिट फॉर शॉपिंग और आज मैंने ड्रेस किया है इस डेनिम शर्ट में। ये डेनिम शर्ट इज गिफ्टेड बाय माई फैमिली, माई नेफ्यू, माई मॉम, माई डैड एंड माई सिस्टर, ऑल द वे फ्रॉम राजस्थान। राजस्थान से उन्होंने भेजा था मुझे और साथ में इसे पेयर किया विद पैंट्स एंड स्नीकर्स। That's it, एक कैजुअल आउटफिट और साथ में टोपी। अब यार बाल बनाने का स्ट्रेस कौन ले, तो इसलिए लगाई टोपी और निकल गया। सो अभी निकलता हूँ और मिलते हैं आपसे इन ऑर्बिट में, देखते हैं क्या मिलता है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती यार, लिफ्ट के जो कांच होते हैं हमेशा इतने खराब क्यों होते हैं, लाइट्स भी अच्छी होनी चाहिए। लिफ्ट में बातें करते करते लिफ्ट वापस ऊपर चली गई, ऐसा भी होता है। चलिए वापस नीचे चलेंगे। सो फाइनली आ गए नीचे और बिल्डिंग में चल रहा है कंस्ट्रक्शन का काम यार। थैंक गॉड आज बंद है, अभी शायद दो तीन दिन तक बंद रहेगा क्योंकि होली आने वाली है। तो बस चलते हैं, लेते हैं ऑटो। पहले सोचा था मेट्रो में जाऊं, लेकिन नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई विल गो बाय ऑटो, तो सही रहेगा, आराम से पहुँच जाऊँगा, अभी ट्रैफिक भी नहीं होगा। हाँ देखो ये है मुंबई की सड़कें। भैया इन ऑर्बिट, जी पे ले लेंगे, गूगल पे नहीं ले। अरे यार बीच में किसी एटीएम पे रोक दीजिए। यार भैया गूगल पे ले ही लेते हैं, तो यहाँ से एटीएम से थोड़ा सा रुपया निकाल लेते हैं एटीएम से। चलिए ऐसे तो निकल गए, अब कंटिन्यू करते हैं। भैया 500 का तो चेंज मिल जाएगा ना? आजकल तो गूगल पे हर कोई रखता है, गूगल पे तो आजकल हर कोई रखता है। चलते हैं अंदर। यार अब देखते हैं जाए यार, यहाँ पर मुझे अच्छा सा घंटा स्टोर तो दिख नहीं रहा है, क्या मिलता है यहाँ पर। चलते ऊपर मुझे तो लग रहा है मैंने जॉर्ज पहना मौसमी ज़्यादा अच्छा लग रहा हूँ, मैं इसी में चला जाता हूँ। एक बात बताओ, मुझसे ना ऐसे बाहर व्लॉगिंग होती थी, नॉर्मली लोग देखते रहते और मुझे है ना बड़ा ही ऐसा नर्वसनेस हो जाता। कोई आई एम ट्राइंग टू कंटिन्यू कर रहा हूँ, मैं H&M ढूंढ रहा हूँ, H&M बस ही H&M का। फाइनली इतना ढूंढने के बाद मिल गया H&M मेरा सामने। यार ये ट्रायल के लिए जो खड़ा रहना पड़ता है ना, इट्स वेरी बोरिंग सच में।
और अब बिलिंग के लिए खड़े रहो। अरे इतना बड़ा स्टोर है यार, थोड़े और काउंटर्स लगा दो। सो गाइस फाइनली शॉपिंग हमने कर ली है। आई बॉट वन चेन एंड वन दिस व्हाट वी से एक सैंडल लिया है। नाउ आई विल सी हाउ आई हैव टू यू नो मेक अ कॉम्बो ऑफ इट। देखते हैं, अब तो फिलहाल यहाँ पे कुछ करने वाला नहीं। आई सी आई जस्ट लीव फॉर हाउस, घर निकलता हूँ। घर निकलने से पहले थोड़ा खुद को चेक कर लेते हैं कैसे लग रहे हैं। गुड लुकिंग। जो लोग भी मुझे जानते हैं दे नो दैट मुझे ना परफ्यूम्स का बहुत शौक है। सो अभी मैं शॉपर स्टॉप में जा रहा हूँ, आई जस्ट ट्राई सम परफ्यूम्स एंड क्योंकि मुझे कुछ परफ्यूम्स जो ट्राई करने हैं जो मैंने अब तक ट्राई नहीं किए, उसके बाद निकलते हैं। कौन सा ट्राई करना है यार? आई वांट ट्राई मंसेरा, लेट्स सी इफ दे हैव दैट वन। हां, डू यू हैव रेड टोबैको? रेड टोबैको से भी यू ना, कैन आई ट्राई दिस हनी ओड इफ यू हैव दिस हनी ओड? रेड ओड, हनी ओड इज आल्सो देयर ना? यस सर, दैट इज आल्सो नॉट अवेलेबल। वी हैव रेड ओड सर। Okay, can you spray this one for me? Acha, okay. Plus you'll get some couple of brown coffee balls I'm giving on the niche place. 14,000? 100 for the 120. 120, okay. Cool, thank you so much, yeah. I'll check once more if that one is available. The bag. Thank you so much, bro. मुझे तो दोनों परफ्यूम चाहिए थे, वो दोनों इनके पास थे ही नहीं। चलो कोई बात नहीं, ये ट्राई कर ले, बट आई डोंट लाइक दिस वन। सर ऐसा सेट कि आई एम ऑटो में था पर रिटर्न आई एम गोइंग इन मेट्रो बिकॉज टाइम भी बच जाएगा यार, जल्दी पहुंचूंगा नहीं तो बाहर बहुत ट्रैफिक है। तो अभी लेट्स गो होम बाय मेट्रो। ओह भैया, ट्रेन तो लेट होते हुए सुनी थी लेकिन आज मेट्रो लेट है, वो भी 20 मिनट। तब एक ही ऑप्शन है, फिर से ऑटो करो और घर जाओ। तो चलते हैं घर क्योंकि मेट्रो तो 20 मिनट लेट है। ऑटो पकड़ते हैं, यहाँ पे ऑटो मिलता है क्योंकि काफ़ी सारे ऑटो चलते हैं। हाय गाइस, सो फाइनली घर पहुंच गए। घर अभी तक पहुंचा नहीं हूँ, मतलब सोसाइटी में पहुंच गया हूँ। काफ़ी टाइम लग गया यार, अगर मेट्रो टाइम पे होती 20 मिनट लेट नहीं होती तो जल्दी पहुंच चुका होता। लेकिन मेट्रो के लेट होने की वजह से ऑटो लेने के बाद बाप रे इतना ट्रैफिक मिला पूछो मत। बढ़िया, फाइनली रीच्ड होम। अभी बस घर जाऊँगा, रिलैक्स करूँगा, आई गेट फ्रेशन अप एंड मी वेल। गाइस अगर आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा, क्योंकि मैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड कर रहा हूँ, इसलिए आई एम जस्ट क्या बोल रहा था यार, एक तो पता है आदत नहीं है ना तो समझ में नहीं आता है आधे टाइम के बोलूँ क्या। सो गाइज सॉरी, ये थोड़े बहुत फंबल हो जाते हैं उसकी वजह से यार, मुझे ब्लॉगिंग का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। खैर, अगर आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा और आप चाहते हैं कि मैं इसी तरह से मेरी डेली रूटीन के कुछ पल आपके साथ शेयर करूं, तो डू कमेंट एंड मुझे बताइएगा कि आपको अच्छा लग रहा है देखना।
तो मैं अपलोड करूँगा इसी तरह से मेरे ब्लॉग्स और जो भी छोटी या बड़ी एक्साइटिंग चीज़ें होगी आप सबके साथ। मीनवाइल प्यार करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए और साथ देते रहिए। कीप लाइकिंग, शेयरिंग एंड कमेंटिंग एंड सपोर्टिंग आपके अपने शोएब को, और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपको हमेशा एंटरटेन करने की पूरी दिलोजान से कोशिश करता रहूँगा। टिल देन गाइज, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए बहुत सारा, ऊपर वाला आप सबको बहुत खुशियाँ नसीब करें। बाय बाय।